हेलो हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए, पूजा पाठ से आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। ये जो बाल्टी आप लोगों को दिख रही है, इसमें मैंने तुलसी उगाई है, बट उग नहीं रही है, पानी भर जाता है। इसमें मुझे होल करना है 2-3 नीचे, तब जाके मेरी तुलसी माँ उगेंगी। तो मैंने इस महापूजा कर लिया है। भोलेनाथ, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उनको मैंने भोलेनाथ बनाया है, तो वहीं पे ये भी रखे हुए हैं तुलसी के पास, तो उनको अभी पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मंदिर तो खैर जाती ही हूँ, पास में ही है मंदिर मेरे घर के जस्ट बगल में भोलेनाथ का, तो वहीं पे जाया करती हूँ डेली। बड़े वाले मंदिर तो ज़्यादा नहीं जाती हूँ, लेकिन इसमें डेली ही जाती हूँ। तो उधर पूजा हो गई है, यहाँ हो रही है। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स बहुत छोटा होगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा। आज मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया 2-3 दिन से, बस जो थोड़ी थोड़ी क्लिप थी उसे मैंने डाल दिया है। और मुझे जुखाम सी हो गई है, मेरा गला बैठा हुआ है, आवाज़ से आप लोग को पता चल रहा होगा। मंगल भवन अमंगल हारिद्र बहुसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीरद संभारी हर रघुनाथ मम संकट भारी शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हर लज्जा मेरी राखे सुख संपत्ति दाता जौन विधि होए नाथ तमोरा करह सु देख दास मह तोरा सो तुम जान हूँ अंतर्यामी पूर्व हूँ मोर मनोरथ स्वामी। देखिए पूजा पाठ हो गई है। यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली है कद्दू की और पराठे, लच्छा पराठा जो होता है ना, वो अलाज बना रही हूँ 2-3 बार फोल्ड करके जो बनता है ना, तो इसके एक एक परत हम निकाल सकते हैं। बच्चों को बड़ा पसंद आता है ये लच्छा पराठा, तो जल्दी जल्दी पराठे सेक लूँ, सबको दे दूँ। बच्चा पार्टी गई स्कूल, उनको मैंने भेज दिया है, उसके बाद फिर बना रही हूँ पराठा इनके लिए और अपने लिए। अभी जस्ट पूजा की, पूजा के बाद किचन में आ गई हूँ। आटा मैंने गूंद के पहले ही रख दिया था। आटा जब बच्चे जाते हैं तब गूंद के रख देती हूँ, उसके बाद रखा रहता है ढक के रखो तो। और अभी इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही कि आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। हल्की फुल्की गर्मी है, अब ठंडी का मौसम आने वाला है तो राहत है। ऐसे ही मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है ना, गर्मी हो ना ठंडी हो, मतलब मीडियम रहे सब कुछ। तो चलिए जल्दी से दे देती हूँ उनको निकाल के थाली में सब्जी। और अरे सब्जी फ्रेंड्स, आलू की भुजिया बनी है, भूल जाएगा तो ये देखिए, आलू की भुजिया, पराठे, मिर्ची तली हुई और अचार। मेरे घर में मिर्ची तल के रख देती तब जाके ये लोग खाते हैं, जो थोड़े मीडियम तीखी होती है मिर्च वो वाली। यहाँ पे फिर देखिए काफ़ी लेट हो गया था, अगला दिन है ये। उठी हूँ, उठ के सारा घर का काम की हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है, दाल पक गई है, अब चावल डालने जा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग इसी तरह है, थोड़ा थोड़ा 2-3-4 दिन का। अब जा रही हूँ, ये देखिए अब दाल है, मैं चढ़ा रही थी फ्रेंड्स, देखो कितनी जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ। दाल चढ़ा रही थी, दाल पक गई, अब चावल डालने जा रही हूँ। मौसम आज ख़राब है, हल्का बारिश सी लग रही है। ख़राब क्या कहो इसे, अच्छा कहते हैं, क्योंकि इतनी बेकार धूप फिर होती है। अगर बारिश नहीं होती धूप इतनी भयानक होती है, फिर बाहर निकलने से डर लगता है, मतलब गर्मी से भी ज़्यादा बेकार धूप, एकदम जहर जैसी। या आप धूप में निकलोगे तो बीमार पड़ ही जाओगे, ऐसी कुछ स्थिति होती है। कुंवार जो होता है अक्टूबर और ये सितंबर, इसमें धूप होती है भयानक वाली। पहले बदली छाए रहेगी, फिर बारिश होगी तो बारिश होगी, नहीं तो फिर इतनी तेज़ धूप की मत पूछो। फिर देखिए चावल मैंने चढ़ा दिया, यहाँ कपड़े रखे हुए थे कुछ, तो इन्हें भिगो के रख दूँ। आप सब बने रहिए। लिपाई कर दो साधना, बहुत ख़राब लग रहा है तुम्हारा आंगन। ख़राब तो लग रहा है डियर, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ बारिश फिर होगी, फिर ऐसा ही हो जाएगा। और ज़्यादा स्पेस यहाँ है नहीं, देख रहे हैं आप लोग, एक तरफ गिट्टी रखी हुई है, इधर पेड़ उगाए हैं पौधे गेंदा के फूल के, मैंने उखाड़ना नहीं चाह रही हूँ। और जहाँ मैंने चूल्हा बना रखा था वहाँ भी उगा है गेंदे का फूल, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसे ऐसे ही रहने दूँ, थोड़ा सा और धूप हो, निकल जाए मौसम एकदम से। नवरात्रि तक में मैं यहाँ पे लिपाई करूँगी, अभी नहीं। फिर देखिए बहुत सारा काम था,
उसे मैंने निपटाया। इधर आ गई हूँ सारे बर्तन लेके, सुबह से अभी 4:30 बज रहे हैं, पूरा सुबह से अभी तक का बर्तन है इतना। बर्तन धुलते धुलते 1-1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, मतलब काम बहुत बढ़ जाता है फ्रेंड्स अकेले के लिए। फिर मिल के कोई हो करने वाला तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले के लिए काम बहुत बढ़ जाता है, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा मैं। और आप लोग कहते भी हो साधना दी आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो, तो काम हाँ जल्दी ही करती हूँ, बहुत धीरे धीरे काम करने की आदत नहीं है मेरी। जो भी करूँगी मतलब फास्ट करूँगी, जब तक नहीं करूँगी चाहे बैठी रहूँ, लेकिन जब करूँगी तो फिर झटपट से कर डालती हूँ। कपड़े भी अभी पड़े हुए हैं कुछ मेरे बच्चों के, इनके बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो सारे कपड़े अंदर मैंने डाल दिए थे, फिर बर्तन तो धुल के रख दी हूँ। इधर गर्मा गर्म चाय बन गई है, आप लोगों को भी पीना है तो बताइए। फिर देखिए चावल पी के आराम कर रही थी। ये फिर अगला दिन है, नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुकी हूँ और यहाँ पे बिस्तर बना रही हूँ। आज ये नहीं बनाए बिस्तर, नहीं बिस्तर बिस्तर बना देती थी, मुझे यहाँ काम ज़्यादा नहीं पड़ता था, लेकिन आज ये नहीं बनाया है तो मुझे ही बनाना पड़ रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, आगे मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, फेस टू फेस बहुत ही ज़रूरी बात है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। आप लोग कहो कैसी कौन सी ज़रूरी बात है, तो आप लोग पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बात करने वाली हूँ मैं, है ना। यहाँ पे देखिए बिस्तर तर फोल्ड कर दी हूँ, अब दोपहर का खाना बनाऊँगी, इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि 2-3 दिन का ये ब्लॉग है, इसमें मैंने बहुत सारा डाल दिया है दोपहर का खाना। तो आप लोग कहोगे यही बस बनाती रहती क्या। इधर फिर देखिए बारिश फिर से होने लगी थी, अब दूसरा काम कुछ करने वाले थे। चलो फिर अभी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। अभी पूजा नहीं हुई है, ये अगला दिन है, नहाई हूँ, नहाने के बाद बस आप लोगों से बातें करने लगी हूँ। मेरे भगवान देखिए अभी सुने सुने रखे हुए हैं, अभी तक इनकी पूजा पाठ नहीं हुई है। एयरिंग्स मैंने उतार दी है, खुजली हो रही थी। मैं सोने के गहने शुरुआत से ही पहनी हूँ फ्रेंड्स, सोने के नहीं, बिना सोने वाले, तो उससे मेरे कान हमेशा पक जाते हैं, तो ये वाला कान पका हुआ था, उतार के मैंने इसलिए रख दिया है। और सोने के गहने के बारे में मैंने एक टाइटल में लिखा हुआ था, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि सोने के गहने तो आप दिखाती ही नहीं हो, बस बोलती हो कि सोने के गहने मैंने रखा है, मेरे कितने हैं, क्या है, कैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोने के गहने नहीं हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल। मैरिज में मुझे मायके तरफ से मिला था, यहाँ से भी जो भी थोड़ा बहुत था मिला था, थे मेरे गहने, लेकिन अब भी नहीं है, सही सही बता रही हूँ। बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में आए, इस वजह से गहने मेरे नहीं हैं, खर्च हो गए या हम कहें बिक गए, कुछ भी आप कह सकते हो, है ना। तो ऐसी बात है, हाँ कुछ हैं, 1-2 सेट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। रोड डेली मैं उसे नहीं पहनना चाहती हूँ, रख देती हूँ, जिससे ये हो कि हाँ भाई रखा रहे सामान, कहीं जाना आना हो। कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ हम गिलट वाला पहन के जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो कभी पहनी नहीं हूँ, तो मुझे तो प्रॉब्लम होने लगती है कानों में, यहाँ पकने लगता है, दर्द होने लगता है, अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए मैं उतार के रखती हूँ। है गहने एकदम से, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो है आप लोग देखते ही हो वीडियो में। और डेली यूज में तो जिनके पास बहुत गहने वो भी नहीं पहनते हैं फ्रेंड्स, आजकल कौन पहनता है सोने के गहने। हाँ रखता सब कोई है, क्योंकि ये हमारा एक लाभ देने वाली चीज़ें हैं, जैसे किसी ने ज़मीन खरीद ली, हमने गहने खरीद लिए, ये वो, तो ये चीज़ें जब हमें मुसीबत किसी तरह की पड़ती है तो ये चीज़ें हमें पैसे देती हैं, है ना। कपड़े उपड़े हम चाहे जितने महंगे खरीद लें वो किसी भाव में नहीं बिकता, लेकिन गहने हैं, ज़मीन हमारे अगले लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं पहले सोचा करती थी कितने गहने खरीद के रख लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस तरह का नहीं है माहौल, बजट नहीं बन पाएगा कि मैं गहने खरीदूँ अभी फ़िलहाल। तो आई होप आप सब जान गए होंगे, जो कमेंट कर रहे थे कि सोने गहने दिखाती नहीं बस बताती बस है, तो जो है वो आप लोग देखते ही हो, और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। चलिए फिर जा रही हूँ पूजा पाठ करने, अपने ब्लॉग का यहीं पे कर देती हूँ एंड, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का रहेगा। आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को, बहुत छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया था, मनी नहीं था। बाय, थैंक यू सो मच, जय भोलेनाथ।